एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। और फ्रेंड्स, आज जो है वो राखी का ब्लॉग आएगा आप लोगों के साथ। ब्लॉग क्या, छोटा सा वीडियो है एक, तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कैसे जो है वो राखी की तैयारी की, कैसे थाली लगाई, मैं आपको वही दिखा दूँ। तो ये आप देखें, ये कुछ राखियाँ हैं, ये एक राखी है और ये एक राखी है, एक ये क्या उसको कुछ लोग इसको लुम्पा बोलते हैं, ये वो है। तो इनकी बहन के यहाँ से आया है, क्योंकि कोरोना की वजह से ये नहीं जा सकते थे, ठीक है। और ये हमने अपनी राधा जी के लिए ख़रीदा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, इससे छोटा बाज़ार में नहीं मिल रहा था, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था, रेड कलर का, तो ये हमने उनके लिए ख़रीदा। ये एक जो है वो नारियल है, जो कि पानी वाला है। और ये जो मैंने आपको बताया था, जैसे कि मिश्री, लौंग, इलायची रखिएगा शुद्धिकरण के लिए, और दीपक है, धूप है, ये दुर्बा स्नान करवाने के लिए, वो माचिस रखी हुई है, ये जल से भरा लोटा है, पीतल का है, और ये जो है वो एक तांबे का लोटा है, कुमकुम चंदन है। पूजा की थाली में हमेशा पीतल, तांबे और चांदी के बर्तनों का प्रयोग करते हैं, अगर क्षमता है तो आप सोने के भी कर सकते हैं। चावल रखना मैं भूल गई, तो चावल मैं लेके आती हूँ, आप ला देंगे क्या? अच्छा ठीक है, तो हस्बैंड जा रहे हैं चावल लेके आते हैं। देखिए, वही होता है ना, पूजा की तैयारी करते करते आप हर चीज़ ना दिमाग में नहीं रख पाते हैं। क्योंकि आज हम लोगों का व्रत था, तो ये मैंने इनको मिठाई में खिलाऊंगी, मिल्क केक और साबुदाने की खीर हमने बनाई है, तो वही हम दोनों भी ग्रहण करेंगे। और ये राधा किशन जी हैं, तो इनका लुक तो आप देख ही चुके होंगे, ऐसा तो है नहीं कि आपने देखा ना हो, मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आपको यहाँ से जो है वो थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। तो ये देखें, ये हैं हमारे राधा कृष्ण जी। चलिए अब हम जो है वो राखी बांधना शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं जो है वो इनको स्नान करवाऊंगी, तो मैं बैठी हुई हूँ, जैसे कि कन्हैया जी ने हमारे पगड़ी धारण कर रखी है, तो उनको सर ढकने की ज़रूरत है ही नहीं। तो इसी लोटे में जो है हम ऐसे दुर्बा, ये जो लोटा है, इसी में जल लेके, और तीन बार तो ये हमने इनको जो है वो स्नान करवा दिया है, ठीक है। और अब जो है हम फैन बंद के दे, दीपक नहीं जल पाएगा, स्नान करवा दिया। अब हम इनको शुद्धिकरण के लिए जो है वो, ये जो आपको दिखाई थी, मैंने आपको आई होप दिख रहा हो, लौंग इलायची, ये हम प्रभु को यहीं रख देंगे ताकि प्रभु उसे ग्रहण कर लें। ये इसलिए देते हैं लौंग इलायची कि जब आशीर्वाद देते हैं, भाई अपनी बहनों को वचन देते हैं, तो इस टाइप की चीज़ जब हम पहले से खा लेते हैं, मुँह का शुद्धिकरण हो जाता है, जो शब्द निकलते हैं मुँह से वो स्पष्ट निकलते हैं। जैसे कि अगर आपको याद हो, जैसे एक लोग भगवान विष्णु के पास माँ लक्ष्मी को मांगने गए थे, लेकिन अचानक से अलक्ष्मी निकल गया, तो उनको जो है भगवान विष्णु ने अलक्ष्मी दी। तो इसी प्रकार से मुँह का, शब्दों का उच्चारण जब हम करते हैं वो स्पष्ट होना चाहिए, नहीं तो कुछ का कुछ होता है। तो इसलिए जो है वो मैंने इनको ये दे दिया, तो अब इससे जो है वो प्रभु का मुँह का शुद्धिकरण हो जाएगा। अब हम प्रभु को जो है वो कुमकुम लगाएंगे, ठीक है। तो मैं लगाऊंगी क्या, मैं दूर से हल्का सा इसी तरीके से तिलक लगा दूंगी, इसी में मैंने तीनों तिलक बना रखे हैं, तो वही मैं प्रभु को तो लगा ही दिया, लग ही गया। और ये हम अपने राधा माँ को लगाएंगे थोड़ा सा। और माँ क्या, ये तो अब इनको तो मैं सब कुछ बोलती हूँ, और आज से तो जो है कि आज के दिन रिश्ता थोड़ा सा इनसे चेंज हो जाता है मेरा, वैसे मैं इन्हें सब कुछ बुलाती रहती हूँ, लेकिन आज के दिन एक अलग ही भाव उत्पन्न हो जाता है, तो रिश्ता जो है वो थोड़ा सा बदल जाता है। और ये लगा दिया, आप दीपक जला दें थोड़ा सा, ओके। और ये चावल मैं इनको, अब लगेगा कि नहीं, मैं तो इसे चढ़ा देती हूँ, तो देखती हूँ। तो इस तरीके से ये जो है वो चावल चढ़ा दिया है, ठीक है। अब हम प्रभु को राखी बांधेंगे, उसके बाद हम आरती करेंगे, और माँ को जो है वो, राधा भाभी जी को जो है वो लुम्पक बांधेंगे, उसके बाद जो है वो आरती करेंगे। तो बड़ा मज़ा आता है, उसे अलग ही खुशी का जो है वो अनुभव होता है। तो प्रभु जी तो वो बांसुरी थाम के बैठे हैं, तो कैसे बांधा जाए वही मैं सोच रही हूँ। तो राखी बांसुरी निकाल देते ना, और राखी हम सीधे हाथ में बांधेंगे, तो ये मैंने इनको राखी बांध दी है, बांसुरी मैंने थमा देती हूँ उनकी। और अब हम अपनी भाभी जी को जो है वो ये बांधेंगे, तो भाभी जी ने माला तो कुछ दूसरी ही ले रखी है, तो इसको हम सीधा करेंगे,
और ये जो है इसे हम इसी तरीके से पहना देंगे जी। तो ये देखें, ये पहन लिया इन्होंने। अब हम जो है दीपक दिखाएंगे। तो आरती सीधा थाली से क्या मैं कर नहीं पाऊंगी क्योंकि थाली बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो मैं ऐसे ही कर देती हूँ। तो ये मैंने जो है वो आरती कर दी है, ठीक है, दीपक दिखा दिया है। अब हम प्रभु को जल दे देंगे, पहले हम इन्हें भोग देंगे। तो ये दोनों लोग भोग अपना स्वीकार करें क्योंकि भोग दृष्टि भोग लगाते तो मैंने वहीं रख दिया है। और ये हम जल भी जो है आप देख रहे हैं यहीं रख देंगे, धूप भी दिखा देंगे यहीं रख देंगे क्योंकि दीपक दिखा चुके हैं। और अब हम प्रभु को जो मेन चीज़ है वो ये कि पुष्प जो है वो अर्पित कर देंगे। और एक थोड़ा सा पुष्प रख के, ये नारियल हमारे यहाँ चलन है, आप क्या है कि नहीं मुझे नहीं पता, आप लोग देख लीजिएगा। नारियल जैसे ना कोई वीडियो बताया था कि भेंट स्वरूप भाई को देते हैं, ठीक है, तो ये नारियल हम ऐसे ही इस तरीके से और प्रभु को जो है वो दे देंगे कि प्रभु इसे भेंट स्वरूप मेरी तरफ से स्वीकार करें और अपनी सुरक्षा कवच जो है वो बनाए रहें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। क्योंकि अब ये तो मेरे बड़े भाई हैं तो अपना आशीर्वाद ही बनाए रहें प्रभु, इतने ही की आवश्यकता है। अब बारी आती है लड्डू बाबू की। तो ये बैठे हैं लड्डू बाबू, और इनको मैं राखी नहीं बांधती हूँ क्योंकि इनके बड़े स्वरूप को मैं भाई मानती हूँ। इन्हें अपने घर में मैंने हमेशा बाल रूप में ही रख रखा है, बाल रूप में ही देखती हूँ। तो बस ये है कि इनको थोड़ा सा पुष्प जरूर चढ़ा दूँ ताकि अच्छी लगे, पुष्प की महक अच्छी लगती है सावन में। तो ये देखें, ये हमने पुष्प चढ़ा दिए, भोग मैंने वहाँ रख ही दिया है, तो प्रभु उसी को ग्रहण करेंगे। और देवताओं को जैसे कि रूप में राखी चढ़ती है तो मैंने राखी चढ़ा दूंगी, बांधूंगी नहीं, चढ़ाने में बांधने में अंतर होता है। तो ये मैंने चढ़ा दी, और कलाबा मैं बांध लूंगी। और अब मेरे अपने भाई से भौजाई से एक ही कामना है कि अब भाई स्वरूप तो ये मिले ही है, तो और क्या चाहिए, इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है मेरे जीवन में। तो चाहिए और कुछ नहीं, बस इतना है कि अपना आशीर्वाद बनाए रखें, अपना प्रेम बनाए रखें, प्रभु ऐसे ही जीवन में साथ खड़े रहें, अगर मैं कोई गलत कार्य करूं तो मुझे करने से रोक लें। क्योंकि मानव जाति की एक पहचान होती है कि गलत काम के बिना मन मानता ही नहीं है, तो अगर ऐसा कुछ करूं तो रोक लें। और हमारी भाभी जी हमें बस हमेशा ऐसी सीख दें कि हम अपनी घर गृहस्थी की जो गाड़ी है उसे बहुत अच्छे से चलाते रहें, जैसे इन्होंने अपने जीवन में बहुत संयम रखा और हर अच्छे बुरे रास्ते को देखा, ऐसे मैं भी देखती रहूँ। तो बस यही मेरी कामना है, ईश्वर यही हमें दिन दिखाते रहें। आप क्या कहना चाहेंगे? और आप थोड़ी सी ना सद्बुद्धि अपने साले साहब को भी दें, हम तो बस इतना कहना है, ताकि हमसे लड़े वड़े नहीं, और तो खैर सब ठीक है, लड़ते तो वैसे भी नहीं हो, तो थोड़ा सा डर होना चाहिए, मायके का डर होना चाहिए। तो क्या लगता है आपको, होना चाहिए कि नहीं? कन्हैया जी का डर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वैसे मेरे हस्बैंड तो जो है वो लड्डू गोपाल की जूतियों से ही डर जाते, कहते कोई गलत काम करते हैं फेंक के मार देंगे। तो क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ नहीं, उनके चरणों में प्रणाम कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे तो। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी राखी का छोटा सा जो है ब्लॉग। मैं ऐसे ही राखी बांधती हूँ, और लगभग अपने भाइयों को भी इसी विधान से राखी बांधा जाता है, और यही विधान मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर किया था, यही विधान मैंने पिछले साल भी दिखाया था। कुछ लोगों का बहुत भयंकर वाला कमेंट आ रहा है, तो मैं यही क्लियर कर देती हूँ, अलग से क्या छोटे सा बात के लिए वीडियो बनाऊँ, कि सब लोग कह रहे थे कि दीदी सावन जो है वो समाप्त हो जाएगा, सावन के बाद झूला हम राधा कृष्ण जी का किस दिन हटाएं? तो देखिए, राधा कृष्ण, इंसानों का झूला हट जाता है, जैसे जो बच्चियां अपने खेत में पेड़ों पर डाले रहती हैं, उनके देखिए एक चलन है, बहुत पुराना चलन है, हमारे यहाँ होता है, मैं आपको बताऊँ, आपके यहाँ भी शायद हो, ये बहुत पुरानी प्रथा, अगर आपके घर में मम्मी पापे पापा दादी वगैरह कोई हैं पुरानी तो वो आपको बताएंगे। भुंजरियाँ बोई जाती हैं, ठीक है, वो पूरे सावन के महीने बोई रहती हैं, फिर हरी हरी जैसे जौ निकलती है वैसी वो भी निकल आती है। आज के ही दिन शाम को बच्चियां जो है वो भुंजरियां, और देखिए एक गेम होता है जैसे कहते हैं गुट्टे खेलना, छोटे छोटे 7-5 पत्थर रहते हैं, बच्चियां उन्हें उछका उछाल उछाल के खेलती हैं, क्या कहते हैं आप लोग बताइएगा, ये बहुत पुराना खेल है लड़कियों का और इसे सावन में ही खेला जाता है। तो वो जो गुट्टे हैं, झूला है, भुंजरियां, उनकी सबकी एक साथ पूजा करके फिर उनको विसर्जन कर दिया जाता है। कुछ बच्चे लड़कियों जो है वो लकड़ी के गुट्टे खेलती हैं, कुछ लोग चपेटे भी कहते हैं, हम चपेटे खेल रहे हैं। तो आप क्या क्या कहते हैं, ये चीज़ हो सकता है आपको थोड़ी पुरानी लग रही हो, लेकिन हमने देखा है तो मैं आपको बता रही हूँ।
तो उनको करके झूले को सबका विसर्जन कर देते हैं, लेकिन राधा कृष्ण जी और लड्डू गोपाल का जो झूला है वो झूलनी एकादशी के बाद हटता है, राधा अष्टमी के बाद भी नहीं हटता, वो जिस दिन झूलनी एकादशी होती है उसके बाद जो है उनका झूला उतारा जाता है। तो उसे हटाना नहीं बोलते, वो गलत होता है, झूला उतारना बोलते हैं। तो उनका झूला जो है वो झूलनी एकादशी के बाद हटेगा। मैं वीडियो और बना दूंगी, इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया इसीलिए ताकि आप लोगों को हर जानकारी रहे, इसीलिए तो मैं हूँ कि मैं जो जानती हूँ सब कुछ आपके साथ करूँ, शेयर करूँ। और ये देखें सुखदेव जी, असली सुखदेव जी तो नहाने में व्यस्त हैं, गिलास में मुंडी डुबो डुबो के नहा रहे हैं। तो हमारे राधा जी के सुखदेव जी बैठे हैं आराम से, शांतिमय बैठे हुए हैं, वो इनको देख के चिढ़ जाते हैं फ्रेंड्स पता नहीं क्यों, और इनको गिरा के मार के चले जाते हैं, ये बेचारे बैठे रहते हैं, हम क्या बताएं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये राखी का छोटा सा वीडियो ज़रूर बताइएगा, हमारी राधा जी का लुम्पा कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, ग्रीन और रेड। और ये पोशाक गिफ्ट की पोशाक है जो पायल दीदी ने भेजी थी, इसका मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड किया है श्रृंगार का, आपने नहीं देखा है तो जाकर उसे भी चेक कर लीजिएगा, लिंक कोशिश करूंगी इसी वीडियो में दे दूं, नहीं तो आप देख लीजिएगा, वो आपको सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा पगड़ी। और हाँ, तो पगड़ी जो है वो मैं बोलने वाली थी तो मैं भूल गई, तो ये जो पगड़ी है मैंने उस वीडियो बताया, आप लोगों ने बहुत कहा है कि दीदी जिया जी ने बहुत ही बढ़िया पगड़ी बांधी है। जी हाँ, और जिया जी पगड़ी एक्सपर्ट हो चुके हैं। और भाई बहुत सारे लोगों कमेंट आ रहा है कि जिया जी कब दे रहे हैं पगड़ी का ट्यूटोरियल, तो कब दे रहे हैं, अभी और सीख लें फ्रेंड्स, आप लोग ना इनके चक्कर में मत आना, ये ना कोई काम बस एक बार बोल देते हैं, अभी और कर लें थोड़ा अच्छे से, जैसे कहीं अगर इनको जाना हो, ये कहीं बाहर हो, मैं इनसे पूछे कब आ रहे हैं तो बोलते हैं 10 मिनट में आ रहे हैं, और आप जानते हो उस 10 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं आपको कह रही हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि ये थोड़ा सा समय निकालें। राधा रानी देखिए कितनी प्यारी लग रही है, ये धूपबत्ती हटाएं थोड़ा सा, यहाँ को करते हैं इसको, ठीक है। ये देखें राधा रानी कितनी प्यारी, और ये पगड़ी आप यहाँ से देखें, इन्होंने जो अटैचमेंट वगैरह लगाए हैं ना राधा रानी की, जो पगड़ी का वो चंद्रिका का इन्होंने इस्तेमाल किया ना, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत कमेंट आ रहे हैं लोगों के, दीजिए जी बहुत अच्छी पगड़ी बांध लेते हैं। और इसकी एक विशेषता मैं आपको बता दूँ, मैंने उस वीडियो में भी कहा था, इसमें भी कहूँगी कि ये पगड़ी बिना किसी ऑल पिन के बंधी है। जी हाँ, इस पगड़ी में कोई भी ऑल पिन नहीं लगी है। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, लड्डू बाबू को आप लोग देख लीजिए, बहुत कमेंट आते हैं। और देखिए सेम पोशाक जो है दीदी ने भेजी थी तीनों के लिए, राधा कृष्ण जी के लिए वैसे ही पोशाक, में जैसे आपसे मैंने कहा कि मैं जन्माष्टमी पे पहनाना चाह रही थी, बट अब रक्षाबंधन पे मुझे लगा क्या पहनाऊं, तो मुझे बाद में यही अच्छी लगी, मैंने यही पहना दी, और बहुत ही सुंदर लग रही, जैसे मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि ये पोशाक जो 4,000, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000 मार्केट में आती है उनसे ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो लड्डू बाबू, राधा कृष्ण जी सब लोग एक ही रंग में है, एक ही पोशाक में है, एक ही रंग में है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, ग्रीन येलो, क्योंकि आज सावन के अंतिम दिन है तो मैं भी चाह रही थी कुछ हरा हरा पहन ले, और पीछे बैकग्राउंड भी मैंने थोड़ा सा ग्रीन ही रखा है, ये कपड़ा बिछाया है रेड वेलवेट का, तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और अगर कोई कमी है तो वो भी बताइएगा। तो ईश्वर से मेरी बस यही प्रार्थना है कि आप मुझे यही वचन दें कि बस सुरक्षा करते रहें, हर अच्छे बुरे भले वक्त में जो है वो मेरी सुरक्षा करें, रक्षा करें। तो फ्रेंड्स आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी राखी, और मेरे जो सभी भाई हैं उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। और देखिए मैं आपको ये चूड़ी दिखाना भूल गई, आप दिखाती हूँ कैसी लग रही है, ज़रूर बताइएगा कैसी लग रही हैं। हमारे बहुत ही प्यारे से भाई ने हमें गिफ्ट की हैं, तो बहुत दिनों से कह रहे थे कि दीदी हाथ में डाल के फ़ोटो भेजिए, और पता है इसमें धागा भी बंधा है जिससे नज़र ना लगे जी। तो कैसी लग रही हैं बताइए, आपको कैसी लगी, मुझे इसका कलर बहुत पसंद आया, एकदम सावन वाला कलर, और पिंक है साथ में, पिंक नहीं पीच कलर है ये, तो पिंक एज इट इज़ मुझे उतना नहीं पसंद है, तो अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारी सी चूड़ी है। और जो कि हमारी ट्रेडिशनल चूड़ियां हैं ब्लैक एंड ग्रीन, पैरेट ग्रीन, तो वो मैंने पहन रखी है, तो बहुत ही प्यारी सी बैंगल है ये, आप मुझे बताइएगा ज़रूर आपको कैसी लग रही है। तो मेरा सावन तो बहुत अच्छे से मन गया, आप लोगों का कैसे मन रहा है ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ विदा न्यू वीडियो, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलें, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ मैं लेटेस्ट वीडियो के अपडेट शेयर करती हूँ, लेटेस्ट फोटो शेयर करती रहती हूँ, तो जो भी चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट जानकारी मैं वहाँ सबसे पहले शेयर करती हूँ, तो आप मुझे वहाँ ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सब लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन, वंस अगेन हैप्पी रक्षाबंधन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।